फ्रेंड्स, मैं दर्शन सावन और मैं प्रणीता सावन आपका द सावन किचन में स्वागत करते हैं। प्रणीता, आज मैं कुछ स्पेशल खाना चाहता हूँ। तो चलिए, हम आज बनाते हैं शाही मिक्स वेज। साउंड्स रेज, तो चलिए इसे बनाते हैं। शाही मिक्स वेज बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटरों की प्यूरी, यह है 1 कटोरी सब्जियां जिसमें है फ्लावर, गाजर और फ्रेंच बीन्स, यह है 1 बड़ा आलू कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच दही, 5 बड़े चम्मच काजू की पेस्ट, 4 बड़े चम्मच दूध और मलाई का मिक्सर, 1 बड़ा चम्मच खोया, नमक स्वाद अनुसार, हरा धनिया, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 बड़े चम्मच तेल और यह है मसाले जिसमें है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 2 तेज पत्ते, थोड़ी जावित्री, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग और जरा सा जायफल। सबसे पहले हम इन मसालों को भून लेंगे। मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे ये धनिया, जीरा, छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और जावित्री। चार से पांच मिनट तक इसे भूनने के बाद हम एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। अब हम एक छोटा चम्मच तेल लेंगे और इस तेल में इन सब्जियों को हम आधा पका लेंगे। पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, इससे सब्जियां जल्दी पक जाएंगी। ये सब्जियां अब आधी पक चुकी हैं, हम इसे निकाल लेंगे। मैंने इस कढ़ाई में बचा हुआ तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें ये तेज पत्ता डाल देंगे। साथ ही में अब हम ये प्याज डाल देंगे। और प्याज को हल्का भूरा होने तक पका लेंगे। ये प्याज अब हल्के भूरे हो चुके हैं। हम इसमें डालेंगे ये टमाटर की प्यूरी। साथ ही में हम इसमें डालेंगे ये हल्दी पाउडर। लाल मिर्च पाउडर और नमक। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे तेल छूटने तक धीमी आंच पर पका लेंगे। ये तेल छूट चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दही। और ये काजू का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ये सब्जियां डाल देंगे। और सब्जियां पूरा पकने तक इसे धीमी आंच पे ढक के रखेंगे। ये सब्जियां अब पक चुकी है। ये है भुने हुए मसालों का पाउडर, ये 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे। और साथ ही में हम डालेंगे ये खोया। ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 2 मिनट तक ढक के इसे पकने देंगे। अब हम इसमें ये दूध और क्रीम का मिक्सचर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसे ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। शाही मिक्स वेज खाने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए हमारे YouTube पेज पे, और सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पे दिख रहे द सावंस किचन इमेज को क्लिक कीजिए। थैंक यू।